यही रणसू का कंडा क्षेत्र है जहां पर आतंकवादियों ने यात्री बस पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। मैं आपको बता दूं कि पहले गोली जो है वो ठीक इस जगह पे लगी थी, बस को जो है वो जो बस का ड्राइवर है उसके माथे पे लगी थी और गोली जो है वो शीशे को पार कर जहां पर जो देखिए आप जहां से बस जो है वो जाती हुई यहां तक पहुंची जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। यहां पर भी कुछ शीशे जो है वो पड़े हुए हैं और ठीक वहां पर आप देख सकते हैं जहां पर कुछ लोग जो है वो नीचे उतर रहे हैं। वहां से बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई थी और कई लोग जो है वो मारे गए थे। 9 लोगों की जो है वो इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, यानी कि आतंकवादियों द्वारा जो है वो ताबड़तोड़ बेकसूर लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई थी और बस जो है वो वहां तक गई जहां पर बस अभी पहुंची है। उसके बस जो है वो बाहर नीचे चले गई। अब ग्राउंड पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि बस का क्या हाल है और किस तरह से लोग जो है वो उस जगह पे मारे गए हैं। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल आतंकवादियों ने यात्री बस पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद बस के जो ड्राइवर है उसको गोली जो है वो माथे पर लगी थी और करीब बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई थी। लगभग इसकी मैं हाइट अगर आपको बता दूं तो लगभग 200 मीटर की गहरी खाई में बस गिर गई थी और ड्राइवर की बहादुरी से मैं आपको बता दूं कि जो जब इसको गोली लगी थी बताया जा रहा है कि बस जो है वो लगभग 50 मीटर दूर तक जो है वो चलती रही। उसके बाद बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई। जैसे ही बस गहरी खाई में गिरी तब भी पीछे से ताबड़तोड़ आतंकियों ने जो है वो गोलियां बरसाई थी और कल भी हमने आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि हम स्पॉट पे पहुंचे हैं जहां पर बस जो है वो गहरी खाई में गिरी है। एक एक शॉट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये घटना जो है वो पेश आई थी। एक उसमें छोटा सा बच्चा जो है वो जिसकी उम्र मात्र 6-7 साल बताई जा रही है। 9 लोगों की इस हादसे में जो है वो दर्दनाक मौत हो चुकी थी, यानी कि कल आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। 9 लोग जो है वो इसमें मारे गए थे और 24 के करीब लोग जो है वो घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि टोटल इसमें 51 लोग जो है वो सवार थे। कुछ घायलों को जो है वो त्रियाड़ में ले जाया गया था, कईयों को जो है वो PHC पौनी में ले जाया गया था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही सुरक्षा एजेंसियों के तमाम लोग जो है वो पूरे जंगल को जो है वो छानबीन कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पूरे रात जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रहा। ड्रोन की मदद ली गई, हवाई जहाज की मदद ली गई, पूरे एरिया को जो है वो कार्डन किया गया है, तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम जवान जो है वो इस वक्त मौजूद है। कल रात से ही जो है वो चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ संदिग्धों को ऐसा माना जा रहा है कि सूत्रों से जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है, कुछ संदिग्धों को देखा गया जो रणसू पर्ची काउंटर है उसके पीछे ठीक जो पहाड़ी है वहां पर जो है वो बड़ी तादाद में हमारी आर्मी के जवान जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और जो सुपार है जहां पर कल ये गनोनी हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई थी उस पार पे हम जहां पर पहुंचे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी जहां पर मौके पे ही हैं और जगह जगह जो है वो जहां पर भी छानबीन की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दृश्य हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जवान जो है वो दिन रात लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकवादी हैं उन्हें मौत का घाट उतारा जाए और आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो पकड़ जो वो आतंकवादी हैं वो जो जिंदा या मुर्दा जो है वो पकड़े जाएंगे। तो यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा या जिंदा पकड़ा जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कल एक जो ड्राइवर जो दसानू का रहने वाला था आज उनके परिजनों जो है वो मांग भी की थी कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और DC रियासी विशेष पाल जो है वो उस पर विचार कर रहे हैं और LG प्रशासन की तरफ से जो मृतक लोग हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा और जो घायल हुए लोग हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देख रहे रियासी जेके न्यूज़, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।